इस वीडियो के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और माननीय शिक्षा मंत्री को ये कहना चाहूंगा कि वहां से बीपीएससी टीआर 2.0 में 1.22 लाख वैकेंसी आई, यानी 1,22,000 वैकेंसी आया, जिसमें 94,000 लगभग रिजल्ट आए और काउंसलिंग 73,000 ही हुए। 73,000 जब काउंसलिंग हुई तो लगभग बचा सीट कितना है, 49,000 सीट बचा हुआ है। क्या वहां से इतना सीट बचा रहने के बावजूद योग्य अभ्यर्थी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा भरा नहीं जा सकता है? भरा जा सकता है, और इसके लिए एडुकेशन डिपार्टमेंट ने 3 जनवरी को बीपीएससी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए आदेश कर दिया। 4 जनवरी को अतुल सर के द्वारा ट्वीट भी आता है कि मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम कर रहा हूँ, और जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं आश्वस्त हो जाते हैं कि अब मेरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। 13 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी सभी 96,000 जो कैंडिडेट पास हुए टीआर 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट सहित सभी को जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उस समय उनकी एक वर्ड सभी कैंडिडेट को सांत्वना दी थी कि जो चीज बचा हुआ है जल्दी से खत्म किया जाए। तो बच्चे समझ गए कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द आएगी, और पेपर में निकलता है 13 से लेकर 20 के बीच में आपको कभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाती है। जैसा कि शिक्षा विभाग के लेटर में लिखा हुआ है, 15 को रिमाइंडर फिर बीपीएससी को भेजा जाता है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, और मात्र 4 दिन के अंदर फिर शिक्षा विभाग से एक लेटर आती है और कहते हैं, लेटर में लिखा हुआ रहता है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, शिक्षा विभाग आयोग को भेज देती है, मुझे अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को नहीं चाहिए। क्या हम अपने माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से कहना चाहेंगे, क्या 49,000 कैंडिडेट जो बेरोजगार हैं, योग्य हैं, बीपीएससी क्वालिफाइड हैं, जो आपके अहर्ता है 40%, 36% जो अहर्ता दिए हैं, उसमें लाखों कैंडिडेट उस अहर्ता से को पास किए हुए हैं, आप चाहेंगे तो 49,000 सीट तुरंत तो भर सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर। और एकाएक आप 19 तारीख को रिजल्ट निकाल के आपके ही डिपार्टमेंट की शिक्षा विभाग कहता है कि अब उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है। क्या बिहार के युवा के साथ ये सबसे बड़ा खेल नहीं हो रहा है? क्या बेरोजगार होना गुनाह है? अगर गुनाह है तो अच्छी बात है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दीजिए बेरोजगार, हम युवा को बेरोजगार ही बनाना चाहते हैं, तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि चलिए बेरोजगारी ही अच्छी बात है। लेकिन आप लोग ने जो ये पहल किया, इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आती है और उसमें काउंसलिंग मात्र 73,000 होती है, और काउंसलिंग के बाद जो सीट बच गया इतना, क्या उसमें जो योग्य 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से छुटे हुए हैं, क्या उनको हक नहीं है कि वो आप योग्य अभ्यर्थी इस पे आके अपना कर्तव्य का निर्वहन करें? सबसे बड़ा कलंक होता है एक पढ़े लिखे युवा के लिए बेरोजगार होना, उससे बड़ा कलंक है ही नहीं। जब ये समाज में चलते हैं तो पढ़े लिखे रहते हैं तो लोग उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, लोग ये कहते हैं देखो ये कैसा पढ़ाई किया है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ये कितने कष्ट से यहां तक पहुंचे और वो किस किस शर्मिंदगी से गुजर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री से मैं कर जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लीजिए और शिक्षा विभाग को तुरंत आज्ञा दीजिए, ऑर्डर दीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बचे हुए सीट है सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। आपका जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है बेरोजगारों को रोजगार देना, क्या आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में इतने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते हैं जबकि सीट बचा हुआ है? मुझे उम्मीद है कि आप इस पे जल्द संज्ञान लेंगे और शिक्षा विभाग को ऑर्डर देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। और मैं उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को, भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना मैं ये नहीं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता जी तक ये वीडियो पहुँच जाए, वो सिर्फ युवा की इस दर्द को, फीलिंग को समझ सकें। और मुझे पता है अगर उन लोग तक अगर ये वीडियो पहुंच जाएगी ना तो आपका रिजल्ट 2 दिन में आ सकती है, तो आप लोग बस इतना काम कर दीजिए, ठीक है। ट्विटर के माध्यम से जो मेरा थंबनेल में है वो ट्वीट कल शाम में 5 बजे सभी स्टूडेंट करते हैं, जिससे ट्विटर के माध्यम से भी हम अपने प्रतिनिधियों को, हमें अपने गवर्नमेंट में जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं।